क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि नेपाल श्रीलंका की तरह क्राइसिस में आ जाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि श्रीलंका जिस हालत में वो बहुत ज्यादा भयंकर है। क्योंकि श्रीलंका में इस समय चावल के दाम है करीबन 500 रुपए पर केजी, चीनी के दाम है करीबन 300 रुपए पर केजी, देश में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है, और देश में सारी बुनियादी चीजें नहीं है, दवाइयां और कई और चीजें नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है श्रीलंका की। लेकिन क्यों नेपाल को लेकर भी ऐसी बातें कही जा रही है? रीजन है फॉरेन रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। और क्या वजह यही है सिर्फ, तो जानेंगे सरल भाषा में कि ये है क्या फॉरेन रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, और क्या सच में श्रीलंका जैसा कुछ होने वाला है, और श्रीलंका में जो हुआ है उसके पीछे की वजह क्या रही है। साथ ही कंपेयर करेंगे नेपाल को कि नेपाल की सिचुएशन क्या श्रीलंका के जैसे मैच खा रही है या नहीं, और इसको कैसे रोका जा सकता है, और साथ ही ऐसे हालात में आम लोग यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे नेपाल को राहत मिले और नेपाल में एक क्राइसिस ना आए। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल का आइकन होगा उसको भी दबा लो, क्योंकि लेटेस्ट और ओरिजिनल कंटेंट आपको ऐसे ही मिलते रहे। साथ ही कमेंट जरूर कर देना कि नेपाल विल नेवर स्टॉप। दोस्तों फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, दोस्तों ये वो संपत्ति है किसी भी देश की जिसका इस्तेमाल करके कोई देश दुनिया के कोई भी देश से सामान खरीद सकता है आसानी से, यानी कि आसानी से इंपोर्ट कर सकता है कोई भी सामान। दोस्तों इन फॉरेन रिजर्व्स में ऐसी संपत्तियां यानी कि ऐसे एसेट्स रखे जाते हैं जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा सके सामान को खरीदने में, जैसे कि गोल्ड, यूएस डॉलर, साथ ही साथ ट्रेजरी बिल्स और ऐसी तमाम चीजें। और इसीलिए इसको कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब कि ये किसी भी देश की वेल्थ को नापने का एक मीटर है। तो नेपाल का फॉरेन रिजर्व नेपाल का सेंट्रल बैंक रखता है और उसको मैनेज करता है, और नेपाल में क्राइसिस की वजह भी ये फॉरेन रिजर्व है, क्योंकि ये फॉरेन रिजर्व करीबन 17% तक गिरा है फरवरी 2022 में, जो कि गिरकर करीबन 9.75 बिलियन यूएस डॉलर रह गया है, जो कि पिछले साल जुलाई 2021 में हुआ करता था करीबन 11.75 बिलियन यूएस डॉलर। तो नेपाल पर आने से पहले शॉर्ट में जानते हैं कि श्रीलंका के क्या हाल हैं। दोस्तों आज श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व 2 बिलियन डॉलर से भी कम बचा हुआ है। साथ ही श्रीलंका को करीबन 4 बिलियन का तो सिर्फ कर्ज ही भरना है, और श्रीलंका ने इंडिया से क्रेडिट लाइन भी मांगी है, यानी कि पैसे की मदद मांगी है, जिसमें इंडिया करीबन 500 मिलियन डॉलर की मदद दे चुका है श्रीलंका को, साथ ही साथ 1 बिलियन डॉलर की और मदद दे रहा है श्रीलंका को, और श्रीलंका को और ज्यादा मदद चाहिए, इसीलिए श्रीलंका चाइना से भी मदद मांग रहा है। लेकिन नेपाल से जीडीपी में 1.5 गुना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद, साथ ही साथ 2018 में टूरिज्म में दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद श्रीलंका की ऐसी हालत कैसे हो गई? दोस्तों इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला रीजन है अप्रैल 2019 में 3 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट, जिसके चलते श्रीलंका में करीबन 269 लोगों की जान गई, जिसमें से 45 फॉरेन टूरिस्ट थे, और उसके बाद से श्रीलंका के टूरिस्ट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर 2019 में श्रीलंका में नए प्रेसिडेंट बने राजपक्षे, उन्होंने जनता के लिए वैट टैक्स को आधा कर दिया, जिसे लोग ज्यादा खरीदारी करें और कैश का फ्लो देश में बढ़े। लेकिन 2019 में कोविड-19 ही आ गया, और लॉकडाउन के चलते लोगों ने पैसे खर्च ही नहीं किए, जिसके चलते सारा आर्थिक बोझ सरकारों के ऊपर आ गया। और फिर उन्हीं प्रेसिडेंट ने एक और खराब कदम उठाया, वो ऑर्गेनिक खेती को बहुत सपोर्ट करते थे, जिसके चलते उन्होंने एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन ही कर दिया श्रीलंका में, जिसके चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में करीबन 30% की गिरावट आई। वो श्रीलंका जो कि चावल पहले बाहर से नहीं खरीदता था, इसके बाद से उसको चावल भी बाहर से मंगाने पड़े, और फिर से देश के ऊपर बर्डन आ गया, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीजों के लिए श्रीलंका आमतौर पर हर सामान इम्पोर्ट ही कराता है, और ये भी एक बड़ा कारण था। साथ ही एक और बड़ा कारण था बहुत सारा कर्ज। 2017 में श्रीलंका का कर्ज 64 बिलियन डॉलर का था, जो श्रीलंका के जीडीपी का 95% तक था करीबन, यानी श्रीलंका जो एक साल में कमाता था उसका 94-95% श्रीलंका लोन में ही दे देता था, और इसमें से अधिकांश लोन यानी कर्ज उसने चाइना से लिया था। दोस्तों चाइना मिलियंस डॉलर का कर्ज देता है छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, और अगर वो देश उस प्रोजेक्ट का कर्जा चीन को नहीं दे पाता टाइम पर, तो चीन उस प्रोजेक्ट को ही अपने कब्जे में कर लेता है, जैसे कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने ले लिया 100 सालों के लिए श्रीलंका से। तो अब जानते हैं कि नेपाल को क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं। पहली चीज, नेपाल श्रीलंका की तरह ही काफी ज्यादा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। दूसरी बड़ी चीज, नेपाल का भी फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है। तीसरी चीज, नेपाल में हाल के दिनों में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है, जिससे कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी आती है।
साथ ही साथ कोविड-19 का भी एक सीरियस इशू देखने को मिला था नेपाल में। और चौथी चीज, नेपाल भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारा लोन लिया है और चाइना से भी बहुत सारा लोन लिया है नेपाल ने। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि माना जा रहा है नेपाल पर ये चीज़ें कम इफेक्ट करेंगी और श्रीलंका से थोड़ा डिफरेंटली ये काम करेंगी। टूरिज्म की ही बात करें तो श्रीलंका की जीडीपी करीबन 13% टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है, लेकिन नेपाल में ये करीबन जीडीपी का 3-4% ही है। तो ये टूरिज्म फैक्टर काफ़ी कम इफेक्ट करेगा और साथ ही नेपाल में इस समय टूरिस्ट आना भी शुरू कर दिए। साथ ही दूसरी चीज़, नेपाल का फॉरेन रिजर्व श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व से करीबन 4 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है अभी भी, तो क्राइसिस आने के कम चांसेस हैं। और तीसरी बड़ी चीज़, नेपाल हर चीज़ के लिए दूसरे देशों पर नहीं डिपेंड करता है, जैसे कि अनाज, शक्कर और कई और चीज़ें, जो कि एक डिफरेंट ही सिचुएशन बनाता है नेपाल के लिए श्रीलंका के कंपैरिजन में। और चौथी चीज़, लोन के मामले में नेपाल भी कई देशों से लोन लिया है, साथ ही चाइना से भी लोन लिया है, लेकिन नेपाल के लोन श्रीलंका के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म लोन है। श्रीलंका के लोन जहां पर शॉर्ट टर्म लोन थे, यानी कि उसको जल्दी पैसा देना था, वहीं नेपाल को काफ़ी लंबे समय बाद पैसा देना है। लेकिन अगर कुछ गलत कदम उठाए गए, साथ ही साथ पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ऐसी सिचुएशन आ भी सकती है। तो नेपाल ज़्यादातर अपने खाने पीने के सामान की आपूर्ति खुद ही करता है, लेकिन नेपाल जो सबसे ज़्यादा आयात करता है यानी कि इम्पोर्ट करता है वो है पेट्रोल, साथ ही आयरन और स्टील भी, साथ ही मशीनरी पार्ट्स करीबन 100.37 बिलियन रुपीज़ के इम्पोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो नेपाल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन ऑयल का और पाम ऑयल का। नेपाल में श्रीलंका जैसी सिचुएशन को रोकने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट कदम भी उठाए हैं, जिसमें नेपाल की गवर्नमेंट ने कई लग्जरी इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी है, साथ ही साथ सोने के इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई और लग्जरी आइटम्स पर रोक लगा दी गई है। और इससे बहुत ज़्यादा नेपाल के फॉरेन रिजर्व्स को बचाया जा सकता है, जो कि पेट्रोल और कई और अहम चीज़ों को खरीदने में लगाया जा सकता है। अब बड़ी बात कि आप आम लोग क्या कर सकते हो नेपाल को इस सिचुएशन से बचाने के लिए और इस क्राइसिस को नेपाल में आने से रोकने के लिए। सबसे पहली बात, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और फेक न्यूज़ देखकर कोई कदम नहीं उठाना, जैसे कि सामान का स्टॉक करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है तो लोग बहुत सारा सामान लेकर रखने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेकर अपने पास रख लेते हैं, तो मार्केट में सामान की कमी हो जाती है। और दूसरी चीज़, लग्जरी आइटम जो कि इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जो कि बाहर से मंगाई जा रही हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करें और हो सके तो ना ही इस्तेमाल करें। घरेलू चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए तो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्टर हैं और जो सामान विदेशों में भेजते हैं, वो लोग अपना सामान और ज़्यादा भेजने की कोशिश करें, जिससे कि नेपाल का फॉरेन रिजर्व और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और चौथी एक बड़ी चीज़ कि इस वीडियो को हर एक नेपाली तक शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन पता चल सके और वो पैनिक ना हो फेक न्यूज़ और गलत नैरेटिव से जो कि ऑनलाइन मिल रहे हैं। और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं नेपाल को इस क्राइसिस से आराम से निकाल सकती हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साइड में जो बेल का बटन है उसको भी दबा लो, ताकि ऐसे ओरिजिनल और फैक्ट बेस्ड कॉन्टेंट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। NI News।